डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जो कि थैलेसीमिया से रिलेटेड है, जो कि एक समस्या है, प्रॉब्लम है, बहुत सारे व्यक्तियों में पाई जाती है, बहुत सारे व्यक्तियों में नहीं भी पाई जाती है। इसके बारे में हम पूरे तरीके से चर्चा करेंगे कि वास्तव में इसका क्या मतलब है, क्या हिस्ट्री है और क्या इसका आगे की जो अर्थ है, लक्षण है, प्रकार है, उपाय है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, चाहे वो थ्योरी रिलेटेड हो, चाहे वो एमसीक्यू रिलेटेड हो स्पेशल एजुकेशन से, चाहे डिसेबिलिटी रिलेटेड हो, आप उन्हें देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी के नेम वाइज पड़े हैं। अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छे आपने उनमें सुझाव दिए हैं, कमेंट दिए हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में, अंत तक देखिए ताकि आप पूरी जानकारी को हासिल कर सकें। स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो एक्सप्लेन करता हूँ उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आप छोड़ देते हैं, वही मेन होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ थैलेसीमिया। आखिरकार थैलेसीमिया की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पहले से हम जानते हैं इसको। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का विद फुल एक्सप्लेनेशन लाभ उठा सकें। एंड दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि थैलेसीमिया एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जिसका वर्णन पहली बार 1925 में बाल रोग विशेषज्ञ थॉमस बेंटन कूली ने किया था। ध्यान रखिए ये आपके लिए एक नंबर का भी प्रश्न बन सकता है कि थैलेसीमिया जैसी समस्या का पहली बार वर्णन कब किया और किसने किया और जिसने किया वो किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इन्हीं की बात चली कि जिन्होंने गंभीर एनीमिया यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के निम्न स्तर, कौमा धीमा विकास, कौमा अंगों का बड़ा होना और शुरुआती बचपन में ही बच्चों की मृत्यु पर अध्ययन किया था। यानी कि इन्होंने, जो थॉमस बेंटन कूली ने क्या किया, इस पर पूरी तरीके से स्टडी भी किया, रिसर्च भी किया, अध्ययन भी किया। तीसरा देखिए कॉन्सेप्ट, 1946 में यानी कि 1946 में थैलेसीमिया का कारण असामान्य हीमोग्लोबिन संरचना पाया गया। यानी कि ये हीमोग्लोबिन से संबंधित भी समस्या बताई जाती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। अगर उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है किसी व्यक्ति का तो उसे संबंधित समस्या बताई जाती है कि उसकी प्रॉब्लम है। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए कि भारत में थैलेसीमिया को RPWD जो अधिनियम है, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज जो एक्ट है 2016 में जो बना था, उसके तहत एक विकलांगता माना जाता है। ये भी एक प्रकार की, देखिए इससे पहले बिल्कुल भी इसको इतना नहीं माना जाता था कि ये बहुत बड़ी गंभीरता है, बहुत बड़ी विकलांगता है, लेकिन भारत सरकार ने जो 2016 में RPWD एक्ट बनाया उसके तहत इसको विकलांगता का दर्जा दिया। तो ये आपको चार कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ थैलेसीमिया, आखिर थैलेसीमिया का अर्थ क्या है। देखिए ये जो थैलेसीमिया है ये क्या है, खून का एक विकार, खून मतलब रक्त, रक्त का एक विकार है जिसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य रूप से कम मात्रा में होते हैं और इसी कारण से ऐसा होता है कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए
थैलेसीमिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले खून संबंधी बीमारी है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मान लीजिए कि ये जेनेटिक है, तो ये एक प्रकार का खून संबंधी बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी होती है, जो शरीर में सामान्य के मुकाबले कम ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन, जो कि जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और कम संख्या में लाल रक्त कोशिकाओं से पहचानी जाती है। इसके अलावा जो थैलेसीमिया है, रक्त से संबंधित ऐसी आनुवंशिक बीमारी है, आप देखिए जब लिखना हो कभी तो आप समझ सकते हैं, ये तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि जेनेटिक डिजीज़ है, समस्या है। थैलेसीमिया रक्त से संबंधित ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो रक्त कोशिकाओं के कमजोर होने और नष्ट होने के कारण होती है। जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती है, जहाँ से खून आना जाना होता है, तो वहाँ पर भी जो प्रॉब्लम हो जाती है, या वहाँ पे कमज़ोर हो जाना, या उनका ख़त्म हो जाना, नष्ट हो जाना, तो वो एक प्रकार की गंभीर रूप से समस्या भी हो जाती है। इसके अलावा और भी देखिए कि यह किसी जीन की अनुपस्थिति के कारण भी होती है, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अब सीधी सी बात है, जहाँ पर हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, हमारे पास ब्लड ही नहीं है, तो क्या होगा, समस्या विभिन्न प्रकार की उत्पन्न होंगी। आप तो जानते हैं कि हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है, तो पीलिया भी हो जाता है, जॉइंटिस भी हो जाता है, तो उसके एक प्रकार का लक्षण भी है, आगे हम चर्चा करेंगे उसकी। इसके अलावा यह रोग माता अथवा पिता या दोनों के जीन्स में गड़बड़ी के कारण भी होता है, यानी कि या तो माता के जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, या पिता के जीन्स में, या तो फिर दोनों के, इस गड़बड़ी के कारण भी ऐसा समस्या होता है। और देखिए कि रक्त में हीमोग्लोबिन दो तरह के प्रोटीन से बनता है। ध्यान दीजिए, रक्त में हीमोग्लोबिन दो तरह के प्रोटीन से बनता है, एक अल्फा और बीटा ग्लोबिन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि अल्फा और बीटा ग्लोबिन, या ऐसे पूछ लेगा कि हीमोग्लोबिन दो तरह के प्रोटीन से बनता है, वो कौन कौन से हैं, तो अल्फा और बीटा ग्लोबिन। इन दोनों में से किसी प्रोटीन के निर्माण वाले जीन्स में गड़बड़ी होने पर थैलेसीमिया होता है, यानी कि सीधी सी बात है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो समस्या हुई, जीन में प्रॉब्लम हुआ तो बिल्कुल समस्या हुई, माता में हुआ, पिता में हुआ, तो जब उनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो जब बच्चा पैदा होगा तो उनमें भी समस्या हो सकती है। कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन चांसेस रहते हैं। अब आप देखिए डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा, अब आप तो जानते हैं कि डेफिनेशन कौन देगा, बने रहिए वीडियो में अंत तक, देखिए आपको पूरा एकदम आनंद आएगा और पूरी तरीके से समझ भी पाएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इसी ने एक विकलांगता का दर्जा दिया है, इसे दिव्यांगता का दर्जा दिया है, तो इसके अनुसार परिभाषा देखिए क्या है कि थैलेसीमिया का अर्थ वंशानुगत विकारों का एक समूह है, यानी कि थैलेसीमिया का अर्थ क्या कहता है कि वंशानुगत विकारों का एक समूह जो हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति मात्रा की विशेषता है, यानी कि टोटल हमारा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, हमारा रक्त संबंधी विकार है जिसकी अनुपस्थिति में हमको ये समस्या हो जाती है, जिसे हम थैलेसीमिया कहते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके टाइप्स देखते हैं कि जो थैलेसीमिया के प्रकार, इसके प्रकार भी होते हैं। ये देखिए, मुख्यतः थैलेसीमिया के दो प्रकार होते हैं, ये रहा आपके सामने पहला कि थैलेसीमिया माइनर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये बीमारी उन बच्चों को होती है जिन्हें प्रभावित जीन्स माता अथवा पिता द्वारा प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिए, यानी कि माता पिता में प्रॉब्लम थी और वही बच्चों में मिल गई। और भी देखिए इसी में, इस प्रकार से पीड़ित थैलेसीमिया के रोगियों में अक्सर कोई लक्षण नजर नहीं आता है, ये रोगी थैलेसीमिया वाहक होते हैं।
मतलब शुरुआत में एकदम नजर नहीं आता है, धीरे धीरे जब एक बड़ा रूप ले लेता है, एक सीवियरिटी में आ जाता है, तो फिर व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि कम ब्लड प्रॉब्लम है एक नॉर्मल में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे ब्लड हीमोग्लोबिन कम होता जाता है तो देखते हैं आपको शरीर पीला पड़ने लगता है, आंखें पीली हो जाती हैं और जॉइंटिस हो जाता है। तो इससे क्या है, और भी कई सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। इसके अलावा और भी देखिए कि कुछ रोगियों में रक्त की कमी या एनीमिया हो जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, रक्त की कमी का होना या एनीमिया का क्या अर्थ होता है, रक्त की कमी या निम्न स्तर का रक्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि एनीमिया का अर्थ है तो क्या है, रक्त की कमी, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए क्या है, थैलेसीमिया मेजर, वो क्या था, थैलेसीमिया माइनर था, अब हम यहाँ पर देखेंगे थैलेसीमिया मेजर, देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये देखिए कि यह बीमारी उन बच्चों को होती है जिनके माता और पिता दोनों के जीन्स में गड़बड़ी होती है। अब ये देखिए बहुत अच्छे से देखिए कि पूरी तरह से जब दोनों में गड़बड़ी होती है तब जा करके ये होता है। और देखिए कि जन्म के 3 महीने बाद कभी भी इस बीमारी के लक्षण नज़र आ सकते हैं, यानी कि यूं कहें कि 3 महीने से पहले आप जल्दी पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद एकदम शुरू हो जाते हैं और कभी भी पता लगा सकते हैं। देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्लड सेल एंड हैविंग थैलेसीमिया ब्लड, देखिए किस तरीके से एक नॉर्मल है तो क्या है, और जब किसी को थैलेसीमिया हो जाता है तो देखिए ब्लड का जो थक्का कैसे जमता, कैसे आकार होता है, किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण या कौन कौन सी प्रॉब्लम के कारण उसको कैसी कैसी समस्याएँ हो जाती हैं और ब्लड का क्या क्या स्वरूप हो जाता है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा सिम्टम्स देखते हैं इसके, कि आखिर कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे, क्योंकि बिना लक्षणों के तो हम कह ही नहीं सकते किसी को कि इसको ये समस्या है। देखिए सबसे पहला देखिए, कह रहा है कि बच्चों के नाखून और जीभ पीली पड़ जाना, पीलिया या जॉइंटिस जैसे लक्षण नजर आना। मैं आपको जैसे कि पहले अभी एक्सप्लेन करके बता रहा था कि जब सीधी सी बात है खून की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, नाखून पीले पड़ जाएंगे, आपको पीलिया हो जाएगा, आपका जो जीभ है, जो आँख है, वो क्या है, पीला पीला देखने लगेगा लाल की जगह, तो ये भी एक प्रकार का लक्षण है। दूसरा देखिए, बच्चों के जबड़ों और गालों में असामान्यता आ जाती है। अब छोटे बच्चे होते हैं उनको तो एक प्रकार से ये कहें कि उनमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी या यूँ कहें कि इतनी ज़्यादा पावर नहीं होता है कि वो इतना झेल सकें या इतना किसी को सहन शक्ति हो, तो उनमें और सारी समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं। तीसरा देखिए कि रक्त की कमी या एनीमिया, फिर से मैं बात आपको बता रहा हूँ, एनीमिया का अर्थ क्या होता है, रक्त की कमी, यानी कि खून की कमी को ही हम एनीमिया कहते हैं। ये एक नंबर में मान लीजिए DSSB में पूछ लिया, रीट में पूछ लिया, या किसी भी एग्जाम में जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके काम आएगा। चौथा देखिए, सूखता चेहरा। अब सीधी सी बात है, जब कुछ नहीं होगा, अंदर एनर्जी नहीं होगी, सब ब्लड जा रहा होगा, तो चेहरा क्या, आदमी पूरा का पूरा सूख जाता है, यहाँ तो चेहरा सूख रहा है, तो चेहरा सूखना भी एक प्रकार का एक लक्षण है, एक संकेत है जो हमें ये बताता है कि आपको ऐसी समस्या हो सकती है। और देखिए पांचवा कहता है कि बच्चे की विकास दर रुक जाती है और वह उम्र से काफ़ी छोटा नजर आता है। बिल्कुल, अब सोचिए उसकी जो डेवलपमेंटल है, जो उसका ग्रोथ है, यहाँ पर जो इंग्लिश लिखी है द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, तो यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए क्योंकि ग्रोथ का मतलब वृद्धि होता है, और तो यहाँ पर उसी हिसाब से लिया गया है सर, शारीरिक से, कि काफ़ी छोटा नज़र आता है तो शारीरिक रूप से, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ लिखी है, बट हिंदी इसको वृद्धि होना चाहिए। तो लेकिन आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चे की जो वृद्धि दर या विकास दर रुक जाती है और वह उम्र से काफ़ी छोटे दिखते, जैसे सामान्य बच्चे क्या होते हैं, अब जितने उम्र में जितनी लंबाई, जितनी चौड़ाई, या जितनी यूँ कहें कि जितना वजन, या सामान्य बच्चे जितना होना चाहिए एक एक उम्र में, उतना अगर नहीं होता तो अगर ये लक्षण दिखते हैं तो माना जाता है कि ऐसी समस्या भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, वजन ना बढ़ना, अब वेट ही नहीं बढ़ रहा है, अब
सामान्य बच्चे का मान लीजिए कि किसी उम्र में 50 या यूं कहें कि 40 किलो होना चाहिए, और पता चले कि कुछ बच्चों का ऐसे है कि वो 20 किलो ही रहता है, 25 किलो ही रहता है, बहुत सारे लोगों का 50 किलो रहता है, किसी का 30-35 किलो ही है। तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान देने लायक है कि आगे चल के गंभीर रूप ना ले ले। नेक्स्ट है कि हमेशा बीमार नजर आना, जब देखो तब हमेशा बीमारी की हालत में रहते हैं, कभी पेन, कभी कुछ, कभी शरीर दर्द, कभी चलने में, कभी थकान, कभी कुछ, ऐसी समस्या आना भी एक प्रकार का लक्षण है थैलेसीमिया का। कमजोरी, वीकनेस जिसे कहते हैं, पता चले कि हम 2 कदम चलते हैं और हम थक गए, एक मतलब मुश्किल से 10 सीढ़ियाँ हैं, 10 सीढ़ियाँ चलने के बाद हमारी सांस फूलने लगती है, हम ऐसे थक जाते हैं, कमजोरी सी महसूस करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक प्रकार का ये भी लक्षण है, सांस लेने में तकलीफ होना। अब सांस लेने में भी बताओ तकलीफ होगा तो भी ये समस्या हो सकती है, तो ये एक प्रकार का लक्षण है। अभी तक हमने लक्षणों की चर्चा की थी, अब हम देखते हैं कि क्या इसका परीक्षण भी किया जा सकता है, क्या इसकी टेस्टिंग की जा सकती है, तो चलिए देखते हैं, इसको भी जान लेते हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक, स्किप मत करिए। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला देखिए कि शारीरिक जांच यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल टेस्ट या फिजिकल स्क्रीनिंग, तो इसका देखिए क्या मतलब होता है, यानी कि टेस्टिंग क्या है, कैसे हम मतलब शारीरिक जांच करेंगे। जैसे कि इसमें है कि व्यक्ति की शारीरिक जांच और सवाल पूछ मतलब व्यक्ति की शारीरिक जांच और सवाल पूछ कर डॉक्टर थैलेसीमिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पेशलिस्ट कौन कौन से होते हैं, चिंता मत करिए, क्योंकि आम आदमी इसको चेक नहीं कर सकता। तो व्यक्ति की शारीरिक जांच और सवाल पूछ कर डॉक्टर थैलेसीमिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति में रक्त की कमी के लक्षण, लीवर और स्प्लीन में सूजन और शारीरिक विकास में कमी, इस तरीके की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो इसकी जब इसकी जांच करते हैं तो ये पता चलता है। और देखिए रक्त की जांच, ब्लड, अब यहाँ पर भी देखिए हमारा जांच से रिलेटेड है, तो रक्त की भी हम जांच करेंगे ही, सीधी सी बात है, क्योंकि रक्त से रिलेटेड समस्या है तो रक्त की जांच करनी पड़ेगी, कितना लेवल है, कितना हीमोग्लोबिन है, इसका नॉर्मल है या प्रॉब्लम है या सीवियर है या मेजर है, क्या है, तो उसकी भी हमें जाँच करनी पड़ती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि माइक्रोस्कोप के नीचे रक्त की जांच करने पर लाल रक्त कण के आकार में कमी और अनियमितता, साथ ही हीमोग्लोबिन की कमी से थैलेसीमिया का होना या ना होना का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, इसलिए जांच करना जरूरी है। आप खुद ही देखिए, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लिख देता है कि ब्लड चेकअप करवा के लाओ, आपको ठंडी लगने लगती है, बुखार आ जाता है, बोले ब्लड चेकअप करवा के लाओ, ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, बोले बोले ब्लड चेकअप करवा के लाओ, तो डॉक्टर लिख देते हैं ताकि वो अपना जो एक हाइपोथेसिस बना के रखे हैं, एक परिकल्पना बना करके रखे हैं कि क्या अगर इसके करने से क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है, एक टेंटेटिव सोल्यूशन क्या आ सकता है, उसके बाद तो फाइनल तो विभिन्न प्रकार का इंटरवेंशन करेंगे ही, दवा देंगे ही, तो फिलहाल टेस्टिंग भी जरूरी है। तो ये हमारा शारीरिक जाँच और रक्त की जाँच। अब देखिए क्या उपचार संभव है, बिल्कुल संभव है, अगर पूरी तरीके से संभव नहीं है तो किसी को कम से कम एक स्थिति तक सुधारा तो जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए थैलेसीमिया का उपचार रोग के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर, तो भैया किस स्तर की है यह भी हमें जानना होगा, और उसी के आधार पर ही हम क्या करते हैं, थैलेसीमिया का उपचार करते हैं। ये देखिए पहला क्या है कि रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, यानी कि थैलेसीमिया का उपचार करने के लिए नियमित रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। कुछ रोगियों को हर 10 से 15 दिन में रक्त चढ़ाना पड़ता है, कई बच्चों को रक्त की कमी से ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। ये देखिए मतलब अगर ट्रीटमेंट देने से पहले जब हम पता लगाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लड का लेवल कितना है, ब्लड में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ब्लड के गुण होते हैं, उसका प्लेटलेट्स कितना है, इसके अलावा जो और सारे गुण होते हैं तो उनका लेवल क्या है, क्योंकि प्लेटलेट्स जब किसी की घट जाती हैं तो और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये प्लेटलेट्स वगैरह क्या है, ये ब्लड के क्या है? एक प्रकार से देखा जाए तो करेक्टरिस्टिक्स एक गुण है,
और इन्हीं के आधार पर ही वो बेहतर माना जाता है कि ब्लड बहुत अच्छा है। और एक उपचार के अंतर्गत हम देखते हैं कि ब्लड चढ़ाना होता है, बहुत सारे बच्चों में तो 10 से 15 दिन में रक्त चढ़ाना ही चढ़ाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। देखिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसको भी किया जाता है। दवाएं और पूरक जो मेडिकेशंस होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं एंड सप्लीमेंट्स होते हैं उनके रिलेटेड, तो उनको भी दिया जाता है एक ट्रीटमेंट। देखिए पूरी तरीके से बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि लाइलाज होती हैं, तो हम क्या करते हैं उनको, हम ऐसा करते हैं कि उनको एक स्थिति तक एक स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि व्यक्ति को अधिक सीबीएटी या प्रोफाउंड लेवल की कैटेगरी तक ना जाए और उसको एक लेवल तक रखे ताकि अपना वो जीवन यापन अच्छे से कर सके सामान्य व्यक्ति की तरह। इसके अलावा संभव सर्जरी यदि आवश्यक हो, मतलब अगर सर्जरी करने की आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए कि शारीरिक रूप से हम जांच करते हैं तो अगर कोई दिक्कत दिखी तो हम सर्जरी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है इफ नीड, यदि आवश्यक हो तभी, ऐसा नहीं कि चीड़फाड़ करने लगो तुरंत। तो ये भी हमें देखना है, एक डॉक्टरों की भी जो विशेषज्ञ होते हैं जो स्पेशलिस्ट, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में किसी का चीड़फाड़ करने लगे, सर्जरी करने लगे, तो वो भी एक ह्यूमिनिटी में याद आता है। देखिए विशेषज्ञ कौन कौन से होते हैं, यानी कि स्पेशलिस्ट भी होते हैं। ये देखिए पहला कौन सा है, प्राथमिक देखभाल प्रदाता, जिसको हम क्या कहते हैं पीसीपी, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, यानी कि रोगों की रोकथाम करना, पहचान करना, इलाज करना, ये इसका प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, शुरुआत की चीज़ें होती हैं जो इनका काम होता है। दूसरा देखिए बाल रोग विशेषज्ञ, जिसको कहते हैं कि पेडियाट्रिशियन, तो इनका क्या काम है, शिशुओं बच्चों और किशोरों को चिकित्सीय देखभाल प्रदान करते हैं। देखिए अगर शुरुआत से ही अच्छी देखभाल, अच्छा आइडेंटिफिकेशन, बेहतर प्रिवेंशन अगर हो जाता है तो आने वाले समय में जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो समस्या कम दिखती है, लेकिन अगर शुरुआत से ही लापरवाही हो जाती है, मान लीजिए बच्चे को कभी चक्कर आता है, कभी थकान होती है, कभी वीकनेस होती है, माँ बाप ध्यान नहीं देते, बोले अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और वो धीरे धीरे के चक्कर में सीबीएटी लेवल ले लेता है, तो इसलिए विशेषज्ञ इन चीज़ों की सलाह देते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से इनको ट्रीटमेंट दीजिए, ये यहाँ पर आइए हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। बहुत सारे माता पिता सुनते भी नहीं हैं, बोले कि ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन कुछ लोग जो जागरूक होते हैं वो दिखाते हैं, सेंटर ले जाते हैं। तीसरे विशेषज्ञ होते हैं कि वंशानुगत रोगों के विशेषज्ञ, जो कि हेरिडिटी जो रिलेटेड होते हैं, डिजीज रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं, वंशानुगत विकारों का निदान करते हैं और प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मतलब कि उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कैसे उनको दूर करें, कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे हम प्रबंधन करें ताकि उसको रोका जा सके, जो समस्या है, जो बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, तो हम कैसे उसका मैनेजमेंट करें कि अपना जीवन यापन वो व्यक्ति बच्चा कर सके। देखिए रक्त रोग विशेषज्ञ, ब्लड जो स्पेशलिस्ट होता है उसको पूरी जानकारी होती है कि ब्लड का क्या है, कैसा है, कितने गुण होते हैं, ब्लड कितने टाइप्स का होता है, ब्लड में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, सारी चीज़ें एकदम बताएगा। खून संबंधी खराबियों की पहचान और उनके इलाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि बहुत सारी खून में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करना और उनका पूरी तरीके से इलाज करना इस स्पेशलिस्ट का काम है, तो इसलिए इनकी ज़रूरत है। तो ये रहे हमारे स्पेशलिस्ट। अब कुछ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। ये देखिए कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है, ध्यान दीजिए, कभी भी सवाल देखिए डीएसएसबी में सवाल कैसे पूछता है, सीधा सीधा पूछता है कि थैलेसीमिया है एक अनुवांशिक विकार है, यानी कि या अनुवांशिक विकार है या रक्त संबंधी विकार है, या तीसरा दे देगा ऑप्शन ए और बी दोनों, तो दोनों सही हो जाएगा। ये भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा था कि आनुवंशिक रक्त विकार है तो एक साथ क्यों नहीं लिखा, तो एक साथ लिख जाएगा ना वो, जब दोनों ए और बी हो जाएगा, तो कई तरीके से सवाल पूछता है, पूछ लेगा कि आनुवंशिक रक्त विकार से संबंधित दिव्यांगता है, उसमें थैलेसीमिया दे देगा, हियरिंग इंपेयरमेंट दे देगा, विजुअल इंपेयरमेंट दे देगा, लर्निंग डिसबिलिटी दे देगा, तब क्या करेंगे आप, तब उसमें हमारा थैलेसीमिया लगाएंगे, तो हमारे कई सारे जवाब अलग अलग तरीके से बनते हैं और सवाल भी अलग अलग तरीके से बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए कि भारत को 50 मिलियन से अधिक वाहक, यानी कि भारतीय आबादी का 4%
के साथ दुनिया की थैलेसीमिया राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये भी एक बड़ी बात है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने एक वीडियो बनाया था जो MCQ सीरीज 20 यानी कि 20वीं सीरीज है वो, जिसमें आपको सारे दिव्यांगताओं के डे मिल जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पर कब मनाए जाते हैं वो। और मनाने का मतलब ये नहीं होता है कि अब उस दिन बढ़िया बैठ करके मिठाई खाएंगे और इन्जॉय करेंगे, बिल्कुल नहीं। मनाने का मतलब होता है कि उसका उपचार कैसे किया जाए, उसकी और रिसर्च क्या हुई है, उनमें कैसे इलाज संभव है, कैसे पहचान कर सकते हैं, क्या कुछ नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, तो उनमें सुधार से संबंधित कुछ करने के हिसाब से ये डे मनाए जाते हैं। लेकिन आजकल हमारा कोई भी डे मनाया जाता है तो अच्छा खासा प्लेटों में खाने पीने का आ जाता है, 2 घंटे प्रोग्राम हुआ खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पर अच्छा प्रोग्राम भी मनता है। ये देखिए, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, गिव ब्लड गिव लाइफ। और नेक्स्ट देखिए कि रक्त की कमी के कारण मरने वालों के लिए लोगों को हर साल 2 बार रक्तदान करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्थ के लिए ये भी बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैं डिसेबिलिटी की जितनी भी वीडियोज़ हैं बहुत जल्द डे बाई डे बनाता जा रहा हूँ। दरअसल कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं बन पा रही है वीडियो, लेकिन जो भी वीडियो बनेगी वो आपके लिए बहुत शानदार होंगी और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी होंगी। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, एग्ज़ाम आपका सभी का निकलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, सुझाव ज़रूर दें, क्या इसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है या कुछ और नई जानकारी आप जानते हैं तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू सो मच। साथ ही दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ये एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है इससे। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब घंटी को टनटनाते हुए बजाइए एंड शेयर ज़रूर करिए, बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।